गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस डे वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 17। टुडे वी डिस्कस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 3.3। Let us prove that sin x minus sin y by क्या है cos x plus cos y और हमें prove करना होगा tan x y। बट अस सिंपली प्रोसेस यूज करेंगे। ये क्या है sin x minus sin y, ये बेटा cos x minus cos y। देखिए कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin c minus sin d, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया cos c plus बेटा cos d। ये हम अप्लाई करते हैं। जब ये हम अप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे अप्लाई किया sin c minus sin d, क्या होता है यहाँ पे 2 cos x plus y by 2 और sin x minus y। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा cos c plus cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बेटा क्या हो गया 2 cos x plus y by 2 और cos बेटा x minus y। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये क्या होता है sin y cos बेटा क्या होता है 10, ये क्या आ गया 10 x by 2। In this way, we can prove that LHS is equal to RHS. Okay? So same process you can do it question number 19. Also you can do it question number 20. Okay? Let's start from question number 21. 21 पे बात करो, ठीक है? तो 21 question देखिए बेटा, क्या है? क्वेश्चन नंबर है 21, समझ लो। प्रूव दैट कॉस 4x प्लस कॉस 3x प्लस कॉस 2x sin 4x sin 3x plus sin 2x equal to क्या प्रूफ करना है बेटा cot 3x, क्या प्रूफ करना है बेटा cot 3x। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे cos 4x cos 2x को एक साथ रखा, cos 3x को लास्ट, या अगर sin 4x sin 2x और sin 3 इस तरह राइट करेंगे दो बार, ठीक है? तो देखिए इस इन दोनों में अप्लाई किया cos c plus cos d, इसमें अप्लाई करेंगे sin c plus sin d, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 4x plus 2y और cos 4x minus 2y और इस cos 3x को ऐड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में बात करें बेटा इन दोनों में sin c plus sin d तो क्या आ रहा है प्लस है, तो पहले sin है 4x plus 2x by 2 और cos क्या हो गया 4x minus 2y और ये क्या आ गया sin 2 cos 4 plus 2 कितना हो गया 6 by 3 यानी कि cos 3, 4 minus 2 यानी कि 2 by 2 क्या हो जाएगा cos plus क्या आ गया cos 2।
टोटल डिवाइड किया तो ये क्या हो गया बता, 2 sin 4 plus 2 6 by 2 कितना हो गया sin 3x, और ये बता क्या हो गया cos x, और यहां पे क्या आ गया बता sin 3x। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बेटा, जो न्यूमरेटर है उससे क्या कॉमन हो रहा है, कौन से cos 3x कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा आपको 2 cos x plus, बेटा ये क्या हो गया इससे कॉमन है sin 3x, ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास 2 cos x plus, ये दोनों सेम थे कैंसिल आउट हो, आपके पास आ गया cos 3x by sin 3x, cos by sin क्या होता है बेटा और ठीक, तो LHS equal to RHS, that's clear? So बेटा we discuss in next question, in question number बेटा 22, just different question है 22, बिल्कुल different question है, 22 जो question है different है, इसको हम different process से solve करेंगे, बिल्कुल बेटा different है, देखें जरा, directly LHS equal to RHS नहीं आएगा, इसके लिए different concept of a use to be used.